everyone, welcome to your own YouTube channel Shantanu's Bioprep Life Science. Today we are going to discuss Rapoport-Leubering cycle of RBC. Okay, in the previous video we have discussed electron transport chain in detail. So if you are new student and watching this video directly, please make sure to watch all the previous videos, okay, so that your all concepts will be clear. Okay, तो आज हम बात करेंगे रैपापोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल ऑफ आरबीसी के बारे में. ओके, तो मैंने ये ऑलरेडी सब यहाँ पे लिख के रख दिया है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. ओके, तो रैपापोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल से क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली इन डीबीटी एग्जाम. ओके, वो क्या है रैपापोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल ऑफ आरबीसी. इन दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज बाईपास. तो मैंने यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का पाथवे ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ करके रख दिया है which is of 10 steps. okay, glycolysis is a 10 step linear metabolic pathway. okay, to kya likha hai, first step of ATP biosynthesis, ATP synthesis is bypass. to hum isko step by step samjhe. ye step jo hai glyceraldehyde 3 phosphate, to ye jab glyceraldehyde 3 phosphate is getting converted into 1,3 bis phosphoglycerate by an enzyme glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase. okay, ye humne dekha tha. तो यहां पे क्या होता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो बनता है. तो ये वाली जो स्टेप है ये रिवर्सिबल स्टेप होती है. इट इज द ओनली रिवर्सिबल स्टेप इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फॉस्फोराइलेशन स्टेप. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन था जो हमने पढ़ा था. ठीक है, तो ये रिवर्सिबल स्टेप है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फॉस्फोराइलेशन स्टेप. और ये रिवर्सिबल स्टेप तो है ही, इसका इधर क्या होता है एटीपी का सिंथेसिस भी होता है. ठीक है, एटीपी का सिंथेसिस होता है. लेकिन ये पाथवे जब चलता है तो देयर इज वन एंजाइम बिस फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस. ओके, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट इनटू 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, दैट इज 2,3 बीपीजी. ठीक है, ये 2,3 बीपीजी कैन अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट बाय एन एंजाइम 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेटेज. तो यहां से एक फॉस्फेट ग्रुप हटाएगा, कौन सा एंजाइम, फॉस्फेटेस वाला, और इसको ये कन्वर्ट कर देगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में. ठीक है, तो एटीपी सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप बाईपास हो रहा है. कैसे, क्योंकि यही है फर्स्ट स्टेप. ठीक है, यही है फर्स्ट स्टेप जहां पे एटीपी सिंथेसिस होता है. लेकिन क्या अभी एटीपी सिंथेसिस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है वो इसमें कन्वर्ट कर रहा है, किसमें, 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ना कि इसमें. ठीक है, तो अगर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो क्या एटीपी का सिंथेसिस होगा, नहीं होगा, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस होने के लिए 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट शुड बी कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट. तो ये वाली स्टेप तो नहीं हो रही है. अगर ये वाली स्टेप नहीं हो रही है तो फर्स्ट स्टेप ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज बाईपास. ओके, लेकिन ये वापस इसमें कन्वर्ट भी हो सकता है विद एन एंजाइम by an enzyme this 2,3-bis phosphoglycerate phosphatase by and removal of phosphate group from 2,3-BPG. okay, to ye humne dekha ki first step of ATP synthesis is bypass. theek, to abhi hum kya dekhenge, abhi hum dekhenge 2,3-BPG ke bare mein ki ye kya hai. theek hai, to ye samajhne se pehle humko ye samajhna chahiye ki binding affinity of oxygen with hemoglobin, ye protein and enzyme wala कंसेप्ट है. मैं आपको ये शॉर्ट में समझा देता हूं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. ओके, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड 2,3-BPG कॉन्सेंट्रेशन. इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रही है, मतलब अगर एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब अगर पीएच कम होगा, तो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन विल डिक्रीज. वैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन विल डिक्रीज. वैसे अगर 2,3-BPG ज्यादा होगा तो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन विल डिक्रीज. क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नीचे वाला ज्यादा होगा तो ये कम होगा, नीचे वाला कम होगा तो ये ज्यादा होगा. ठीक है, इजी है. हीमोग्लोबिन प्रोटीन हम सबको पता है कि 4 सब यूनिट का प्रोटीन है. उसमें मेजर फॉर्म जो होता है वो मेजर फॉर्म में 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं और 2 बीटा सब यूनिट होते हैं. तो मैंने ये 2D स्ट्रक्चर दिखा दिया है हीमोग्लोबिन का यहाँ. ठीक है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर.
ये ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने ये ऐसा ड्रॉ करके रख दिया टू सिंप्लीफाई इट. ओके, तो ये चार सब यूनिट मैंने यहाँ पे दिखा दिए, इसमें से कोई भी दो आप अल्फा ले लो, कोई भी दो बीटा ले लो, ठीक है, उससे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो यहां पे मैंने दिखाया है कि आउट ऑफ दिस फोर सब यूनिट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर्स, टू सब यूनिट्स आर फिल्ड विद ऑक्सीजन. ठीक है, दो सब यूनिट्स ऑक्सीजन के हैं, वन सब यूनिट कैन बाइंड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या दिखाया है, आउट ऑफ टू सब यूनिट्स, सॉरी आउट ऑफ फोर सब यूनिट टू सब यूनिट्स आर फिल्ड विद ऑक्सीजन, मतलब कितना परसेंट फिल हुआ ये, 50% ऑफ हीमोग्लोबिन, 50% ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन इज ऑक्यूपाइड विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, समझ में आया 50 कैसे, चार में से दो ऑक्यूपाइड है बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ठीक, तो ये एक कर्व है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. ठीक है, तो ये कर्व में वाई एक्सिस पे क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन इन परसेंटेज, और एक्स एक्सिस पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हुज यूनिट इज टॉर. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर. तो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, कितने में से ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, ये ऑक्सीजन का प्रेशर है मान लो, और नीचे एटमॉस्फेयर में हमको पता है कि ऑक्सीजन होगा, है ना, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये सब का प्रेशर कैलकुलेट अगर कर दो तो इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, मतलब ऑक्सीजन अकेला कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है. ओके, तो ये एक्स एक्सिस पे, तो यहां से मैंने तीन कर्व्स दिखाए, एक्सोकाइनेज डेफिशिएंट आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी एंड पाइरूवेट काइनेज डेफिशिएंट आरबीसी. ठीक है, 50% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि चार सब यूनिट में से दो सब यूनिट किसने ऑक्यूपाई किए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किए, तो 2/4 × 100 कितना हुआ, 50% ऑक्यूपाई, यहां पे भी 50% ऑक्यूपाइड, यहां पे भी 50% ऑक्यूपाइड. मैंने बोला था कि जब 2-3 बीपीजी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन विल डिक्रीज. तो 2-3 बीपीजी अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कम एफिनिटी से बाइंड करेगा. ठीक है, ये वाले कर्व में देखो, सॉरी ये वाले फिगर में देखो, फिगर नंबर 3 में बीपीजी आया, तो मान लो बीपीजी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया. अगर बीपीजी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए कम हो जाएगी, इसकी वजह से बीपीजी इज इनडायरेक्टली गोइंग टू डिस्प्लेस ऑक्सीजन. तो मैंने यहां पे क्या दिखाया, बीपीजी इज डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ठीक है, ओके, और एक बात है एफिनिटी के लिए, तो ये जो 50, 80 और 90 दिखाए मैंने, अगर ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की लाइकिंग हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा होगी, मतलब ऑक्सीजन का अट्रैक्शन हीमोग्लोबिन सब यूनिट्स के लिए ज्यादा होगा. तो अगर ऑक्सीजन कम कॉन्सेंट्रेशन में भी अगर प्रेजेंट होगा, या फिर ऑक्सीजन का प्रेशर अगर कम भी होगा, तो ये इजिली बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन के सब यूनिट्स पे. ठीक है, अगर ऑक्सीजन की एफिनिटी इसके कंपेरिजन में कम हो जाएगी, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, हमको उसको बोलना पड़ेगा कि तू जा और बाइंड कर ले, ठीक है ना, क्योंकि उसका अट्रैक्शन कम है, तो हमको उसको जबरदस्ती भेजना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन सब यूनिट. यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन को ये पसंद था बहुत, तो इसने आराम से उसको कम कॉन्सेंट्रेशन में होने के बावजूद भी इसने उसको बाइंड कर दिया. लेकिन यहाँ पे एफिनिटी कम है, तो हमको ऑक्सीजन को बताना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूँ, ठीक है, आप बढ़ने के बाद इस पर बाइंड कर दे. ठीक है, क्यों बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन को अभी ये कम पसंद आ रहा है एज कम्पेयर टू दिस. ठीक है, तो हमको इसको बढ़ाना पड़ रहा है. और यहाँ पे ये तो एकदम क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे तो बीपीजी है,
अगर बीपीजी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो क्या होगा, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन सब यूनिट विल डिक्रीज। ठीक है, तो हमको तो यहाँ पे और ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, 90 तक। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 90 के 90 टॉर पार्शियल प्रेशर हमको बढ़ाना पड़ेगा, तब ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड कर पाएगा। ठीक है, नहीं तो बीपीजी यहाँ पे बाइंड करेगा और ऑक्सीजन को वो डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ये समझो लॉजिक, जितनी ज्यादा एफिनिटी उतना कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन इस पे बाइंड कर देगा। एफिनिटी कम हुई तो हमको पार्शियल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, हमको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बताना पड़ेगा कि तू जा भाई और इस पे बाइंड कर जा। ठीक है, कि हम मानते हैं कि आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, फिर भी हम आपको एक एडवांटेज देते हैं कि हम आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं और आप जाओ और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करो। अगर एफिनिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है, तो हमको और ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, तब ही ऑक्सीजन आ पाएगा और यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, ये समझो आपको लॉजिक। 50, 80, 90 मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दिए रैंडम वैल्यूज। ओके, हाँ, तो ये 2-3 बीपीजी और ये हेक्सोकाइनेज डेफिशिएंट आरबीसी, पाइरूवेट काइनेज डेफिशिएंट आरबीसी, ये क्या है? ठीक है, तो हम उसको समझते हैं। हेक्सोकाइनेज डेफिशिएंट अगर होगा, हेक्सोकाइनेज कहाँ पे है? फर्स्ट स्टेप वो कैटलाइज करता है, फर्स्ट स्टेप इज कैटलाइज बाय हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम विल एक्ट व्हेन ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी विल इंक्रीज, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर मील। ओके, ये भी हमने ग्लाइकोलिसिस वाले वीडियो में डिस्कस किया है, अगर नहीं देखा तो प्लीज वो देख लो। ओके, हेक्सोकाइनेज इट विल कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अगर ये कन्वर्जन नहीं हुआ, ठीक है, मतलब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट नहीं बना, अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट नहीं बना तो क्या ये बनेगा? नहीं। क्या ये बनेगा? नहीं। क्या ये बनेगा? नहीं। क्या ये बनेगा? नहीं। अगर 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरेट नहीं बनेगा तो क्या वो कन्वर्ट हो पाएगा 2-3 बीपीजी में? नहीं हो पाएगा। इसलिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि देयर विल बी नो 2-3 बीपीजी फॉर्मेशन। अगर 2-3 बीपीजी नहीं बना, तो अगर 2-3 बीपीजी नहीं बना मतलब मान के चलो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन विल इंक्रीज, क्योंकि 2-3 बीपीजी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज मतलब आपके दिमाग में वो क्लिक हो जाना चाहिए कि सिर्फ थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी अगर प्रेजेंट होगा तो वो सारे के सारे या फिर कुछ सब यूनिट्स को वो बाइंड कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन ज्यादा है, एफिनिटी ज्यादा है ना, तो इसका अट्रैक्शन ज्यादा है हीमोग्लोबिन सब यूनिट्स की। तो ठीक है, तो थोड़ा सा दो हम बाइंड कर जाएंगे। तो फर्स्ट वाला ग्राफ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक इट शुड बी हेक्सोकाइनेज डेफिशिएंट आरबीसी। ये समझा? तो ये 50% क्या दर्शा रहा है? तो ये बता रहा है कि 2 सब यूनिट्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर फिल्ड विद ऑक्सीजन। ठीक है, ये 50% एक्सट्रापोलेट किया हमने ऑन एक्स एक्सिस, हमको मिल रहा है अप्रोक्स वैल्यू 50 टॉर। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये रैंडम वैल्यूज मैंने दिया है। ओके, नॉर्मल आरबीसी बीच वाला ग्राफ, ओके, 80 टॉर। ठीक, क्यों 80 टॉर? ये ज्यादा क्यों होगा नॉर्मल आरबीसी में? क्योंकि नॉर्मल आरबीसी में थोड़ा बहुत बीपीजी तो बनता ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत बीपीजी बनता ही है। तो अगर थोड़ा बहुत बीपीजी बना, अगर ये थोड़ा बहुत बना तो बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बाइंडिंग एफिनिटी कम हो रही है मतलब हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा। हमको ये बताना पड़ रहा है ऑक्सीजन को कि तुम्हारा लाइकिंग सब यूनिट्स के लिए, हीमोग्लोबिन के सब यूनिट्स के लिए कम है, तो चलो मैं आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूँ, आप जाके वहां पे बाइंड कर जाओ। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 80 लिखा है। ओके, पाइरूवेट काइनेज डेफिशिएंट आरबीसी। अगर पाइरूवेट काइनेज डेफिशिएंसी हुआ आरबीसी में, अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हुआ आरबीसी में, तो ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यहाँ पे, फॉस्फोइनल पाइरूवेट टू पाइरूवेट। ये भी एक फॉस्फोराइलेशन स्टेप है बट इट इज इररिवर्सिबल स्टेप। ओके, तो वो क्या करता है? पाइरूवेट काइनेज विल कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट और पीईपी इनटू पाइरूवेट। ठीक है, लेकिन अगर पाइरूवेट काइनेज डेफिशिएंट है, ठीक है, मतलब ये एंजाइम नहीं है, तो क्या ये स्टेप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी।
अगर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का कन्वर्जन पाइरुवेट में नहीं हुआ तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का एक्युमुलेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और ये देखा गया है कि जब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का एक्युमुलेशन हो तो वो क्या करेगा, 2,3 बीपीजी को बनाएगा, या फिर 2,3 बीपीजी फॉर्मेशन विल अकर व्हेन देयर विल बी एक्सेस फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एक्युमुलेशन, ठीक है। तो 2,3 बीपीजी बन गया, हमको पता है 2,3 बीपीजी अगर बढ़ा तो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन विल डिक्रीज, ठीक है। अभी ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के सब यूनिट पसंद नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि 2,3 बीपीजी का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर भी बढ़ गया। तो अगर पसंद नहीं आएगी तो हमको और ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि ठीक है बीपीजी ने बाइंड कर दिया एक सब यूनिट पे, तो मैं आपका कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ा देता हूँ, आप जाओ और आपको हीमोग्लोबिन सब यूनिट के पास बाइंड होने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसका लाइकिंग कम हो गया है, उसका एफिनिटी कम हो गया है, क्योंकि 2,3 बीपीजी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 90 टर्न दिखाया, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो पाइरुवेट काइनेस वाला ग्राफ कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट पे, सेकेंड पे, थर्ड पे? इट शुड बी वेयर टूवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है, या पाइरुवेट काइनेस, ठीक है, क्योंकि हमको ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का अट्रैक्शन हीमोग्लोबिन के लिए अभी कम हो चुका है और उसका एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए कम हो चुका है, तो हमको वो ज्यादा अमाउंट में वो प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो CSI नेट के पार्ट से मैं कुछ स्टोरी बनाई गई वो लंबी, फिर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, अगर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आया तो, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको वो बता सकते कि ए वाला क्या है, ठीक है, बी वाला क्या है, सी वाला क्या है, कौन सा वाला हेक्सोकाइनेज डेफिशिएंट है, कौन सा वाला नॉर्मल आरबीसी है, कौन सा वाला पाइरुवेट काइनेज डेफिशिएंट आरबीसी का ग्राफ है, तो अगर पूछा आपको तो आप अभी ये आराम से पहले क्या करोगे, आप ये रिलेशनशिप कुछ रफ पेपर में लिख लोगे, फिर ये वाला शॉर्टकट में, और फिर ये दोनों के लॉजिक से आप इसको इंटरप्रेट करो, ठीक है, तो ये इजी होगा, ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है, 2,3 बीपीजी आया, 2,3 बीपीजी ने क्या किया, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस किया, ऑक्सीजन डिस्प्लेस हुआ, ऑक्सीजन डिस्प्लेस होने के बाद वो टिश्यू में एंटर किया, टिश्यू में एंटर होने के बाद ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, या फिर देयर विल बी मोर एरोबिक कंडीशन। अभी हमको पता है कि ऑक्सीजन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन क्रेब्स साइकिल, बट ऑक्सीजन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, क्यों, क्योंकि NADH और FADH2 के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो पास करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और उनका काम क्या होता है, अल्टीमेटली ATP सिंथेसिस को बनाना, ठीक है। तो NADH और FADH2 के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए, ATP सिंथेसिस होने के लिए लास्ट टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास लास्ट में जब पास हो गए तभी ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ATP का फॉर्मेशन होने के लिए ऑक्सीजन का जरूरी होना है, ठीक है, विदाउट इट ATP कैनॉट बी फॉर्म, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल इज इंडिपेंडेंटली ऑल्सो यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डायरेक्टली रिक्वायर्स ऑक्सीजन, कैसे, क्योंकि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच इज ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट ही नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, नहीं चलेगी, ठीक है। दैट इज व्हाई वी से दैट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन क्रेब्स साइकिल बट इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो अगर एरोबिक कंडीशन बढ़ेगी टिश्यू के अंदर तो फिर क्रेब्स साइकिल तो होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी ज्यादा होगा, तो अगर क्रेब्स साइकिल हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हो रहा है ज्यादा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि देयर विल बी मोर एनर्जी नाउ, अगर मोर एनर्जी उसकी वजह से क्या होगा, सर्वाइवल विल इंक्रीज, ठीक है।
तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले इस ये समझने से पहले एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एटीपी का सिंथेसिस बायपास हो रहा है फर्स्ट स्टेप पे, तो ये साइकिल नेचर में प्रेजेंट क्यों है? इससे तो उल्टा कम एटीपी बन रहा है ना, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपको। लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज ऑल्सो यूजफुल एंड इट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, तो ये लॉजिक था सर्वाइवल के लिए, नेचर ने ये साइकिल भी आरबीसी के अंदर रख दी। ठीक है, और एक बात आपको याद रखनी है कि 40-50% ऑफ ग्लाइकोलिसिस विल अकर इन रेड ब्लड सेल एंड 40-50% रैपापोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल विल ऑल्सो अकर इन आरबीसी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा साइकिल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगर कुछ डाउट हुआ तो होगा तो आप कमेंट कर सकते हो बिलो द इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक। वो टेलीग्राम ग्रुप पे 3000 से ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है और मैं रेगुलरली वो अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, स्टडी मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, ट्रिक्स, ये सब उस पर अवेलेबल है एंड इम्पोर्टेंट अपडेट्स अबाउट अपकमिंग एग्जाम भी उस पर अवेलेबल है। ठीक है, मैं ये अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।